सिरमौर जिला में कांग्रेस के कई बड़े नेता चुनाव प्रचार करने पहुंचेंगे। 2 नवंबर को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के राजगढ़, जबकि कैंपेन कमेटी के चेयरमैन सुखविंदर सिंह सुक्खू नाहन के मिश्रवाला में जनसभा को संबोधित करने पहुंचेंगे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए जिला अध्यक्ष कांग्रेस प्रचार प्रसार समिति ब्रजराज ठाकुर ने कहा कि बीते 5 सालों में सिरमौर जिला की सीधे तौर पर भाजपा सरकार ने अनदेखी की है। फिर चाहे बात बेरोजगारी की हो या पावर कलाम साहिब को रेलवे लाइन से जोड़ने की। ब्रजराज ठाकुर ने कहा कि इस बार सिरमौर जिला की सभी 5 सीटों पर भारी बहुमत के साथ कांग्रेस की जीत दर्ज करने वाली है। ब्रजराज ठाकुर ने कहा कि इस बार सिरमौर जिला की सभी 5 सीटों पर भारी बहुमत के साथ कांग्रेस जीत दर्ज करने वाली है और प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार बनने वाली है। बताना चाहूंगा कि जिला सिरमौर में जो है बहुत बड़े बड़े नेताओं के जो है टूर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर दिया है। उनकी जो तिथियां हैं वो जल्दी ही जो है हमें उपलब्ध हो जाएगी और जिला सिरमौर के प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में जो है हमारे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बड़े बड़े नेता आएंगे। कल ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का जो है मिसरवाला में 3 बजे जो है उनका भव्य स्वागत होगा और बहुत बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। और कल ही जो है हमारी प्रदेश अध्यक्षा प्रतिभा जी जो है राजगढ़ में जो है दयाल प्यारी जी के पक्ष में जो है एक जनसभा को संबोधित करेंगे और मिसरवाला में अजय सोलंकी जी के पक्ष में जो है हमारे प्रचार कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो है एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। हिमाचल प्रदेश के अंदर और जिला सिरमौर की जो है भाजपा सरकार ने पिछले 5 वर्षों में जो अनदेखी की है, चाहे बेरोजगारी की बात करें, 14 लाख हिमाचल प्रदेश के अंदर बेरोजगार जो है वो रोजगार के लिए तरस रहा है। नंबर 2 बात, जिला सिरमौर में जो है भाजपा सरकार ने सपने दिखाए थे 2019 में कि पांवटा चुनाव क्षेत्र और कालाम जो है रेलवे से जोड़ेंगे। आज है कहीं रेलवे का नाम है, कोई बजट में प्रावधान इन्होंने नहीं किया। और जिस तरह जो 2019 में इन्होंने 69 नेशनल हाईवे जो है भाजपा सरकार ने गडकरी जी आए और लुभावना हमारे को यहाँ पर जो है वो दिखाया और उसके बाद जो है एक भी नेशनल हाईवे जो है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का जिला सिरमौर के अंदर तो मैं देख रहा हूँ कोई नेशनल हाईवे नहीं हुआ। टूरिज्म की यदि मैं बात करूँ, टूरिज्म का 2019 में जो है इन्होंने एक झूठा लॉलीपॉप जो है जिला सिरमौर की जनता को दिखाया। इन्होंने कहा कि जमटा से एक जो रॉप वे बनेगा चूड़धार के लिए, पहला स्टेप जमटा, दूसरा स्टेप संगड़ा के साथ जो चोटी पड़ती है वहाँ, तीसरा स्टेप जो है इन्होंने हरिपुरधार के साथ कुपड़धार में कहा और चौथे स्टेप में जो है इन्होंने चूड़धार में की बात की। और उस लुभावना जो इन्होंने प्रलोभन दिया, लोगों ने इनको मत दिया और आज टूरिज्म की जो दशा है, आप हमारे सड़कों को देखें जिला सिरमौर की, तो वो गड्ढों में तब्दील है सड़कें जो है, उसमें लोग टूरिस्टों क्या लोगों का चलना भी जो है आज बहुत मुश्किल हो रहा है। इस जल्दी ही जो है कांग्रेस पार्टी के जो हमारा शीर्ष नेता तो बड़े बड़े नेता आएंगे, वो सब चीज़ों पर प्रकाश डालेंगे और जिला सिरमौर से मैं दावा करता हूं कि इस बार 5 की 5 सीटों में जो है 5-0 से जो है कांग्रेस पार्टी बहुमत हासिल करेगी।